दोस्तों की जैसा आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से 2018 की आइडियां रिमूव हो गई थी, 2019 की आइडियां जो है वो सिस्टम से हट गई थी, वैसे 2020 की, जी हाँ दोस्तों, आप जनवरी 2020 से लगा करके 1 जनवरी 2020 से लगा करके जो है 31 दिसंबर 2020 तक की जो भी आइडियां हैं वो 31 मई की उसकी लास्ट डेट आ चुकी है। 31 दिसंबर तक अगर आपने अपनी जो आइडियों को अगर एक्टिवेट नहीं किया है, मतलब जो आइडिया सिर्फ रजिस्टर्ड है और एक्टिवेट नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे एक्टिवेट कर लीजिए। देखिए, क्योंकि हमने बार बार कहा है, बार बार कहते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी से आपकी लगा करके अगर आपका जो 31 दिसंबर 2020 तक की अगर आपकी आइडिया थी तो उसे तुरंत रजिस्टर्ड जो की थी उसे पैड कर दीजिए, क्योंकि कभी भी जो है नहीं आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। और जो लोग अभी तक इस मुगालते में कि भैया अभी जब कंपनी सॉफ्ट लॉन्च होगी जब हम इस बारे में सोचेंगे, तो 2018 की आइडिया तो जा चुकी है, 2019 की आइडिया भी जा चुकी हैं, अब 2020 का भी लास्ट डेट आ चुका है, वो है 2020। तो जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपके बंदे, उनसे कांटेक्ट कीजिए और उन्हें तुरंत जो अपनी आईडी को रिमूव होने से बचाइए, क्योंकि ये बहुत ही लास्ट चांस है, बहुत ही आखिरी मौका है। क्योंकि ये जो इशारा है कुल मिला के एक सॉफ्ट लॉन्च का इशारा भी करता है कि जिस तरह से 2018 की आइडिया रिमूव हुई, 2019 की आइडियाँ हट गई हैं, अब 2020 की भी आइडियाँ रिमूव हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ज़बरदस्त होने वाला है और कुछ बड़ा अपडेट होने वाला है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं अब फाइनली हटता जा रहा है, सिस्टम से सारी चीज़ें हटती जा रही हैं, क्योंकि पुराना जो डेटा है वो सब कुछ हटाया जा रहा है और नई सिरे से जो है नई घोड़ी नया दाम वाला सिस्टम हो रहा है। तो कुल मिला के चाहे कुल मिला के पूरा सा रिफ्रेश होकर, बिल्कुल फ्रेश होकर ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल लेट मत कीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है, क्योंकि 31 मई 2021 बिल्कुल आने ही वाला है। और जब तक कोशिश कीजिए कि अपनी जितनी भी जो है रजिस्टर्ड आइडिया से तुरंत फटाफट पैड करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपका पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा है तो आपकी अपलाइन में आप जो भी आपके सिस्टम में जो भी बंदा होगा जिसके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा, आप उसके पास जाकर के अपनी आईडी को तुरंत जो है एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि इसमें फिर से बोलता हूं मैं, पोजीशन बहुत मायने रखती है, आपकी पोजीशन बहुत मायने रखती है। आप जिस अगर मान के चलिए आपकी पोजीशन अगर आपने हो सकता है कि 1 जनवरी 2020 में जो है अपनी आईडी डाल रखी होगी 1 जनवरी 2020 में और आपने अभी तक उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो आपकी जो पोजीशन है वो 1 जनवरी 2020 वाली है, भले से उसे आप अभी एक्टिवेट कर रहे हो। तो लेकिन अगर 31 मई 2021 आ गया और उसके बाद में आप जब गए मान के चलिए एक जून को गए, तो पता चला 1 जून तक आपकी आईडी वहां से हट गई है, ठीक है। तो 31 मई तक है वो फाइनली अपनी आईडियों को एक्टिवेट कर लीजिए, चाहे वो आपकी 1 जनवरी 2020 की हो या आपकी जो है दिसंबर 2020 की हो या फिर जो आपकी नवंबर 2020 की हो। तो कुल मिलाकर के 1 जनवरी 2020 से लगा करके 31 दिसंबर 2020 तक की आइडियाँ फाइनली रिमूव होने जा रही है, हटने जा रही है। तो तुरंत जाइए अपने आईडी को एक्टिवेट कीजिए दोस्तों, और अपने सारे जितने हैं जो आपके पेंडिंग फाउंडर्स जो आते हैं, जो रजिस्टर्ड फाउंडर हैं 2020 के, उनको आप एक एक बार मेल कर दीजिए, जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि देखो अभी भी मौका है, अभी भी इतना अच्छा मौका है, जिस लेवल पे जिस समय उनकी पोजीशन थी उस पोजीशन पे वो रजिस्टर्ड है, तो उसको आप फाइनली पैड कर दीजिए, तो हो सकता है आपकी पोजीशन बहुत अच्छी बन जाए। पता चला कि यही बंदे जिन्होंने 2020 में जो आइडिया लगाई थी वो बाद में पता चला कि वो 2021 में सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद में वो आ रहे हैं, है ना, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि उनके नई सिरे से फिर नई आईडी लगाना पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोजीशन, वो पोजीशन उनको नहीं मिल पाएगी जो उनको पुरानी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।